This is the lecture number 3 for the chapter polynomials of class 9th, and we are starting with the exercise 2.2. Now in this polynomial is given in question number 1, and you have to find the value of this polynomial if the value of x is 0, if the value of x is minus 1, if the value of x is 2. You simply have to replace x ki value 0 yahan replace karni hai. That is p 0 likhte hain yahan par, x ki jagah 0, x ki jagah 0, 3. To 0 minus 0 plus 3, 3 aa gaya. You simply have to replace the value of the polynomial. Yahan pe kya replace karna hai second part mein, x equal to minus 1. To p x minus 1 likhenge yahan par. Ye jo aata hai, remainder aata hai. We'll discuss it later on. X ki jagah minus 1 rakhna hai. Yahan par hi minus 1, minus 1 rakhna hai. Ye raha, minus 1, minus 1, 3. Jab aap isko solve karenge, minus 6 aayega. माइनस वो फाइव हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है तो माइनस फोर, तो माइनस फाइव माइनस फोर प्लस थ्री माइनस सिक्स आ जाएगा. एक्स इज इक्वल टू टू पर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू. तो यू हैव टू सिंपली पी टू रिप्लेस एक्स बाय टू, टू स्क्वायर प्लस थ्री, टू टू स्क्वायर प्लस थ्री. व्हेन यू सॉल्व इट, इट विल बी इक्वल टू माइनस थ्री. सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 1 द पॉलिनॉमियल इज गिवन पी इन प्लेस ऑफ एक्स. नाउ वी हैव वाई, वाई अब हमारे पास. तो पी वाई इजल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन. तो आपको पी, यू हैव टू फाइंड पी जीरो, यू हैव टू फाइंड पी वन, यू हैव टू फाइंड पी टू. इट मीन्स यू हैव टू रिप्लेस वाई वाई, वाई को की जगह क्या रिप्लेस करना है, यू हैव टू रिप्लेस जीरो. तो जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो स्क्वायर माइनस वन, जीरो प्लस वन. वाई की जगह जीरो रिप्लेस करना है. पी वन मीन्स यू हैव टू रिप्लेस वाई बाय वन. तो वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन दस. पी टू मीन्स यू हैव टू रिप्लेस वाई बाय टू, टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन. These are the value of the polynomial for 0, 1 and 2. Similarly, in the second part, pt, in place of variable, now the variable changed to t. Pehle x tha, phir y, yahan par t aa gaya. Toh aapko kya find karna hai? p0, it means you have to replace t by 0. Yahan 0 rakhna hai, you have to replace 0, 0. Toh 2, 0 plus 2, 0 square minus 0 ke cube. Solve karne par 2 aayega. Phir p1 replace t by 1, 1, 1 square, 1 cube. तो 2 प्लस 1, 2 इंटू वन स्क्वायर मीन्स 1, माइनस 1, 4 आ जाएगा. P2 मीन्स यू हैव टू रिप्लेस t बाय 2. यहां पे t की जगह 2, 2 एंड 2. सिंप्लीफाई करिए, 4 आएगा. ठीक है. नाउ पी एक्स इज इक्वल टू गिवन एज एक्स क्यू. यू हैव टू अगेन फाइंड p0, p1, p2. इन क्वेश्चन नंबर 2 द पॉलिनॉमियल्स आर डिफरेंट बाय, बट यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू सेम इन ऑल द पार्ट्स. पहले p0 फिर p1 फिर p2 मींस यू हैव टू रिप्लेस x0 फिर 1 फिर 2. तो 0 क्यूब, 1 क्यूब और 2 क्यूब. इन दिस आल्सो पॉलिनॉमियल चेंज हो गया. px माइनस 1, px प्लस 1. वही अगेन यू हैव टू फाइंड p0, p1, p2. तो अगर आपको p0 पता करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिप्लेस x बाय 0 यहां पर और यहां पर 0 रखे. 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1. 0 माइनस 1 कितना होता है माइनस 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1. तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1. p1 निकालना है तो x जगह 1 रिप्लेस करिए, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1. 0 इंटू 2, 0. P2 पता करना है तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1. 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 8. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंट पॉलिनॉमियल्स आर गिवन एंड यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स. क्वेश्चन के आगे दे रखा है, यू सी इन योर बुक्स. यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3. हर एक क्वेश्चन के एंड में दे रखा है एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है या वाई की जगह क्या रिप्लेस करना है इन क्वेश्चन नंबर 3. तो इन दिस यू हैव टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस 1 अपॉन 3. एक्स की जगह माइनस 1 अपॉन 3 रखना है तो यहां पर माइनस 1 अपॉन 3 रखिए. 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 0. तो यस, ये इसका 0 है. अगर रिप्लेस करने पर आंसर 0 आता है तो उसका सॉल्यूशन रूट या 0 कहलाता है. तो ये पूछा जा रहा है कि क्या माइनस 1 अपॉन 3 इसका 0 है. तो एक्स की जगह हमने माइनस 1 अपॉन 3 रख गया, अगर वो 0 आ गया तो उसका 0 है. ये हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी में करा था, हो सकता है उस समय समझ में ना आए. तो ये रिप्लाई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है क्या ये इसका 0 है. तो एक्स की जगह माइनस 1 अपॉन 3 रखने पर 0 आ गया. तो यस इट इज. इसमें 4 अपॉन 5 इसका पूछ रहा है 0 है कि नहीं. तो एक्स की जगह 4 अपॉन 5 रखिए यहां पर. तो ये रखा, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5 बचा. नो इट इज नॉट द 0, 4 अपॉन 5 इसका 0 नहीं है. यहां पर दो वैल्यूज पूछी जा रही कि इसके 0 है कि नहीं, एक बार 1 और एक बार माइनस 1. तो एक्स की जगह एक 1 रखो पहले. ये देखो एक्स जगह 1 स्क्वायर माइनस 1, 0 आ गया है. एक बार माइनस 1 रखना, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अब भी 0 आता है. उसका मतलब ये दोनों इसके जीरोज हैं. यस दे बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में इसके पी एक्स दे रखा है एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2. माइनस 1 और 2 पता करना है.
तो x जगह यहाँ पर लिखो माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस टू, तो ये तो जीरो हो गया, जीरो इंटू माइनस थ्री जीरो, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में क्या रखना है, टू चेक करना है, तो टू प्लस वन टू माइनस जीरो, टू प्लस वन टू माइनस जीरो, तो यहां पर क्या आ गया अगेन थ्री इंटू जीरो जीरो, तो यस दे बोथ आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन द नेक्स्ट पार्ट पी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इज गिवन, ये दो टर्म्स दे रखी हैं, ये पूछी जा रही है क्या ये इनके जीरोज हैं, आर दे द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्लेस माइनस वन अपॉन रूट थ्री है, तो अगर ध्यान से देख लीजिएगा रूट रखने पर, थ्री वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, तो थ्री रूट थ्री का स्क्वायर करने पर थ्री आएगा, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन जीरो, तो यस माइनस वन अपॉन रूट थ्री ये इसका जीरो है। अब टू अपॉन थ्री पूछा जा रहा, तो यहाँ पर एक्स की जगह टू अपॉन थ्री रखो, रिप्लेस इट है, तो रिप्लेस करिए थ्री इंटू टू अपॉन थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर होगा फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, फोर माइनस वन थ्री आ गया, नो इट इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये वेरिएबल्स की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है पॉलिनोमियल्स में, यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल, और जो आंसर आता है दैट विल बी द जीरोज ऑफ द दैट विल बी द सॉल्यूशन और द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर, सेट। अब जैसे हमने थियोरेटिकल पार्ट में करा था लास्ट सेक्शन, यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है यहां पर हम एक्स की वैल्यू क्या रखें ताकि ये जीरो हो जाए, उसको जीरोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमको जीरो। तो क्या करना है सिंपल, आपको इसको जीरो के इक्वल रखो, पुट एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू निकालिए, जो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो माइनस फाइव, फाइव माइनस का, तो माइनस फाइव इसका जीरो हो गया। सिमिलरली इसका जीरो पूछा जा रहा है, तो पुट इट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, तो फाइव इसका जीरो है, ऐसे इसका जीरो पूछा जा रहा है, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो रखिए, पुट इट इक्वल टू जीरो, तो यहां पर एक्स की वैल्यू माइनस फाइव अपॉन टू, माइनस फाइव अपॉन टू। अगेन 3x का 0 पूछा जा रहा है, तो पुट 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है, तो उसका 0 0 ही है। इसका पूछा है ax इज इक्वल टू 0, तो ax को 0 के इक्वल हो, x 0 आ रहा है, तो इसका भी 0 0 ही है ना। यहाँ पर इसका जीरोस पूछा जा रहा है, जीरोस का दोबारा बता रहा हूँ, वो वैल्यू x की जो यहाँ पर रिप्लेस करने में इसका आंसर 0 आ जाए, तो सिंपली इसको आप 0 के इक्वल रख दो, तो माइनस डी अपॉन सी, इधर आके ये माइनस और डिवाइडेड बाई सी, तो इसका 0 क्या हो गया, माइनस डी अपॉन सी। So in this lecture, we have done the zeros of the polynomial or to find the zeros of the polynomial. You have to find the value of the function, value of the polynomial and like this. Okay. So ye thoda sa easy exercise thi, 2.1 and 2.2. Somewhat easy exercise. Thoda sa easy hai. Theoretical jo pehla lecture kara tha, uske according. Ye thoda sa solved example, ye exercise ke questions karne par thoda sa easy ho gaya ye aapka. Okay, so we'll continue in the next lecture. Thank you.